हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे रेसलर की जिसने WWE में काफी कम समय में अपना एक अलग मुकाम बना लिया है, जिन्हें WWE में KO के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केविन ओवेंस की। अगर मैं कहूँ WWE का एक उभरता हुआ सितारा तो गलत नहीं होगा। इस टाइम WWE के ब्रांड स्मैकडाउन से जुड़े हुए हैं, आज के टाइम के एक जबरदस्त रेसलर हैं। बात करेंगे आज इनकी पूरी लाइफ की कि कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करेंगे केविन ओवेंस के रेसलिंग में आने से पहले की। केविन ओवेंस को बचपन से ही फुटबॉल, बेसबॉल और हॉकी खेलने का शौक था, लेकिन जब केविन ओवेंस 11 साल के थे तब उन्हें फुटबॉल खेलते हुए एक चोट लगी थी, जिसके बाद उन्होंने इसमें कभी करियर बनाने की नहीं सोची। इस दौरान केविन ओवेंस और उनके पापा डीजल और शॉन माइकल की रसलमेनिया 11 की वीडियो देख रहे थे। तभी केविन ओवेंस ने भी सोचा, क्यों ना यहाँ कुछ करा जाए। मात्र 14 साल की उम्र में केविन ओवेंस के पेरेंट्स ने उन्हें रेसलिंग की ट्रेनिंग करने की परमिशन दे दी और इन्होंने जमकर मेहनत यहां शुरू कर दी। केविन ओवेंस को पहला मौका साल 2000 में अपने 16वें जन्मदिन पर मिला था। केविन ओवेंस का रियल नाम केविन यानिक स्टीन है। इनका जन्म 7 मई 1984 को कनाडा में हुआ था। ये एक कैनेडियन प्रोफेशनल रेसलर हैं। इनकी हाइट 6 फिट है और वजन करीब 121 किलोग्राम है। ये बचपन से फ्रेंच बोलते थे। इनकी वाइफ का नाम करीना स्टीन है। इन दोनों की शादी साल 2007 में हुई थी। इनके दो बच्चे भी हैं, लड़के का नाम ओवन स्टीन और लड़की का नाम लॉर्ड लीला है। इनके फेवरेट सुपरस्टार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हैं। 20 साल की उम्र में इन्होंने कैनेडियन इंडी प्रचार के लिए सैमी जेन के साथ काम किया है। आपको बता दूं, सैमी जेन और केविन ओवेंस आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये साल 2003 में इंटरनेशनल रेसलिंग सिंडिकेट से भी जुड़े। यहाँ ये साल 2009 तक रहे। यहाँ इन्होंने खूब नाम कमाया। ये कॉम्बोट जोन रेसलिंग CZW से भी जुड़े हुए थे। ये 2005 से 2008 तक PWG प्रो रेसलिंग गोरिल्ला से भी जुड़े हुए थे। यहाँ इनकी फ्यूड एजे स्टाइल से काफी अच्छी देखने को मिली थी। यहाँ इन्होंने एजे स्टाइल को हरा के PWG चैंपियनशिप अपने नाम भी करी थी। ये साल 2007 से 2010 तक ROH से भी जुड़े हुए थे। यहाँ इन्होंने जमकर अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करा और यहाँ वो एक अलग मुकाम पे पहुंचे। एक टाइम आया जब केविन ओवेंस ROH इवेंट से बाहर रहने लगे, लेकिन तब भी ROH के मालिक ने केविन को हर महीने पैसे दिए। ROH के मालिक ने कहा तुम्हें कुछ मंथ बाद वापस लाया जाएगा, इसलिए केविन ओवेंस ने 18 किलोग्राम वजन भी अपना कम करा था। लेकिन एक दिन ROH बिक गई और उसके मालिक ने उन्हें 6 महीने और इंतजार करने को कहा। केविन बहुत ज्यादा नाराज थे और इनका वजन अब 132 किलोग्राम पहुंच गया था। फाइनली 12 अगस्त 2014 को केविन ओवेंस ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और उन्हें NXT में डाला गया। इन्हें नया नाम केविन ओवेंस दिया गया। NXT में इन्होंने खूब नाम कमाया। इनकी फ्यूड यहाँ फिन बैलर से, नेविल से, समुआ जो जैसे प्लेयर के साथ देखने को मिली। इसके बाद जल्दी केविन ओवेंस ने WWE के एक मेन रोस्टर में एंट्री मार ली। केविन ओवेंस मेन रोस्टर में 19 मई 2015 को US ओपन चैलेंज में दिखे, जहां इन्होंने जॉन सीना पे हमला करा था। बस केविन ओवेंस ने इसके बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। यहां इनकी फ्यूड रायबैक, क्रिस जेरको, एजे स्टाइल, डीन एम्ब्रोस जैसे दिग्गजों से देखने को मिली। केविन ओवेंस और क्रिस जेरको की दोस्ती WWE में काफी फेमस रही, बट एक टाइम आया जब दोनों अलग हुए। अभी हाल ही में इनकी फ्यूड US चैंपियनशिप के लिए एजे स्टाइल के साथ खत्म हुई है और स्मैकडाउन के कमिश्नर शेन मैकमैन से चल रही है, जिन दोनों के बीच हेल इन अ सेल में मैच देखने को मिलेगा। केविन ओवेंस को इंग्लिश सिखाने में WWE कमेंट्रेटर जिम रोज का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए केविन ओवेंस जिम रोज को धन्यवाद करते हैं। केविन ओवेंस आज WWE में एक सफल नामों में से एक हैं। अब बात करेंगे केविन ओवेंस के सिग्नेचर मूव, फिनिशिंग मूव और अचीवमेंट्स की। सिग्नेचर मूव में कोड ब्रेकर, कैनन बॉल, रनिंग सेनेटन और सुपर किक जैसे मूव शामिल हैं। फिनिशिंग मूव में पॉप पावर बम शामिल है। बात करते हैं अचीवमेंट्स की, तो NXT चैंपियन एक बार, यूनिवर्सल चैंपियनशिप एक बार, US चैंपियनशिप 3 बार और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप 2 बार जीती है। आपको बता दूं, केविन ओवेंस के नाम अब तक यूनिवर्सल टाइटल को होल्ड करने का 188 दिन का रिकॉर्ड है। ये सभी जीते हुए यूनिवर्सल चैंपियंस में से सबसे ज्यादा है। ब्रॉक लेसनर इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लगभग बहुत करीब हैं। तो ये थी केविन ओवेंस की लाइफ से जुड़ी कुछ बातें। केविन ओवेंस WWE का एक उभरता नाम है। उम्मीद करते हैं वो हमें ऐसे ही एंटरटेन करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर मारो। इस तरह की WWE इंटरेस्टिंग अपडेट्स हिंदी में पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब बटन पे कैनन बॉल पॉप पावर मार के चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।